दोस्तों, जैसे एक वॉरियर योद्धा पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करता है, डेली अपने आप को जलती हुई आग में तपाता है, सिर्फ किस लिए कि वो एक दिन जब असल युद्ध होगा तो वो जीत हासिल करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है। यही यही बात दोस्तों तुम्हारे और मेरे साथ भी है। पूरे के पूरे 8 महीने पिछले जो हमने युद्ध अभ्यास किया है, खुद को एक जलती आग में तपाया है, अब अगले आने वाले 3 घंटों में जो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हैं, उसमें हमें उस पूरे युद्ध अभ्यास का निचोड़ निकालना है और दिखा देना दुनिया को कि हमसे बेहतर कोई नहीं है और हमसे बेहतर रैंक कोई ला भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, 3 घंटे जो आप देंगे वो पूरे 8 महीने की मेहनत का फल होगा, इसलिए वो 3 घंटे घबराने नहीं है। बिल्कुल वैसे ही रिलैक्स होकर पेपर देना है जैसे बोर्ड्स के एग्जाम में हम पेपर देते थे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिंदगी कोई बहुत बड़ा है ना गोली खाने वाला या तोप के आगे खड़े होने वाला कोई एग्जाम ऐसा नहीं है। बहुत आसान सिंपल है। आपने तैयारी की है तो आपने उसे बहुत शानदार तरीके से आसान बना दिया है, राइट। तो अगले कुछ घंटे हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप उस पैटर्न पे काम करके पूरा रिवीजन करेंगे और किस तरीके से हमें काम करना है उसकी तरफ ध्यान देंगे। जो करना है हमें सिंह की तरह करना है, जोरदार और दिल लगाकर। आपकी मेंटल कैपेसिटी बहुत जबरदस्त तरीके से अब काम कर रही है। पूरा का पूरा 100% फोकस अब आपका आपके एग्जाम की तरफ ही है। तो सबसे पहले आप कभी भी सो के उठे, राइट, कभी भी आप सो के उठे, मैं अज्यूम कर रहा हूं सुबह 8 बजे उठ जाएंगे सोकर, 8 AM स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। इस छोटी सी वीडियो में आपकी पूरी प्लानिंग मैंने आपके लिए तैयार करी है। आप 2 घंटे, राइट, बिल्कुल फ्रेश उठे, 2 घंटे पढ़े कंपनीज एक्ट, राइट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंपनीज एक्ट 2013। साथ के साथ एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, चूज कर लें, ठीक है, केस स्टडी या कोई भी क्वेश्चन जिसे मुझे लिख कर देखना है, लिख लिख कर देखना है 100%। मैं बताऊंगा कब लिखना है वो, राइट। उसके बाद आप चाहें तो आधे घंटे का गैप ले सकते हैं, राइट। देन आफ्टर सेल्स ऑफ गुड, पहले आप ये पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है, 2.5 घंटे में खत्म करना है, ठीक है, लेट्स से कि 10:30, आधे घंटे गैप के बाद सेल्स ऑफ गुड एक्स सोगा सोगा पूरा तैयार कर लेना है ना 2.5 घंटे में, राइट। तो उम्मीद है 2.5 घंटे में बहुत ढंग से आप तैयार कर लेंगे। टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट बताइए जो करने ही करने हैं। वैसे तो पूरा एक्ट ही बहुत बड़ा नहीं है। फिर इसमें से एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, राइट, जो आपको लिख कर देखना है, ठीक है, समझ में आ चुकी होगी बात। फिर 2 एक्ट मेरे तैयार हो चुके हैं, 2 एक्ट मेरे तैयार हो चुके हैं और समय हो चला है अब हमारा 8 से 1 बज चुका है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पड़ाव में, सर तीसरे पड़ाव में क्या करना है, फिर आपको याद करना है, लर्न करना है टीपा, ठीक है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 2 घंटे इसमें लगाएंगे, 2 घंटे बहुत है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप बताइए सेक्शन 6, ट्रू टेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं, उनको ढंग से विद सेक्शन लर्न करना है। फिर इसमें से भी एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। फिर अब तक बच चुके होंगे आपके 2 से ऊपर, ठीक है ना, 8 बजे से अगर आप देखें, क्योंकि एग्जाम मेरा 2 से 5 है, एग्जाम मेरा 2 से 5 होता है, इस वक्त मेरा माइंड हाईली एक्टिवेट होना चाहिए चीजों को लिखने के लिए। तो लिखने के लिए एक्टिवेट होगा तो मैं एक दिन पहले इसकी पहले से ही तैयारी करके रखूंगा। 2 से 5 के बीच में आप ऊपर दिए गए एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, एक इसके, एक इसका और एक इसका, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन तो 100% मम्मी कसम है लिख कर देखना ही है, ठीक
ठीक है, लिखना ही है आपको 3, 2 से 5 के बीच में। साथ ही साथ चौथे पड़ाव पर आप आ चुके होंगे, किस पर सर? लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट की तरफ, ठीक है ना, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। 1 घंटा ये इसमें रिवाइज हो जाएगा और इसका भी एक क्वेश्चन आप इसी के बीच में चूज कर जरूर लिखे, बिना देखे और मैच करें, राइट। उम्मीद है ये चार एक्ट आप रिवाइज कर चुके होंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, जिसमें आपने लिख भी लिया है और रिवाइज भी कर लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बीच में आधे आधे घंटे के आपने गैप भी लिया और लंच भी किया है सर। उसके बाद शाम को 1 घंटे का गैप ले, टेंशन नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, 1 घंटे का गैप ले। शाम के बज चुके हैं अब 6 PM, 6 बजे से पहले थोड़ा सा 10 मिनट अगर आपका मन लग रहा है तो 10 मिनट मेडिटेशन कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई म्यूजिक सुनना चाहे सुन सकते हैं। 6 बजे से शुरू हो जाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे शुरू कर देना है शाम 6 बजे से, 6 से 8 कि मेरी 2 घंटे की बिल्कुल परफेक्ट सिटिंग होगी 6 PM से 8 PM तक बिना टेंशन के, राइट। मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ूंगा, फिर 8 से 8:30 तक, ठीक है, डिनर करेंगे, खाना खाएंगे, हेल्दी भोजन लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, और फिर 8, 8:30 बजे से 11:30 3 घंटे लगातार बिना टेंशन के फिर से आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, राइट। अगर आप और पढ़ना चाहें थोड़ी देर और लगा सकते हैं, वरना आप चाहें तो 11:30-12 बजे तक सो जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी भी अगला दिन है हमारे पास। अब बात आती है सर कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है उसे कैसे करना है, तो उम्मीद है 6 घंटे या 7 घंटे में आसानी से रिवाइज हो जाएगा। सीक्वेंस मैं बताता हूं आपको सर कैसे याद करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। सबसे पहले वो पढ़ेंगे जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था, यानी कि स्टेप नंबर 1, पहले कौन सा चैप्टर रिवाइज करूंगा, पहले रिवाइज करूंगा ब्रीच, राइट। फिर चैप्टर नंबर 2 कौन सा रिवाइज करूंगा, डिस्चार्ज, ठीक है ना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर तीसरे स्टेप में रिवाइज करना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं पहले 3 रिवाइज करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये मैंने एंड में पढ़े होंगे तो मुझे जल्दी से ये रिवाइज हो जाएंगे। फिर क्योंकि शुरू के चैप्टर क्या होते हैं, मैं बहुत बार पढ़ चुका होता हूँ जब हमने शुरुआत की होती है, ठीक है ना, अप्रैल मई में, राइट। उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर नंबर 2 हमारे नोट्स के हिसाब से वो मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है, वो मेरा रिवाइज हो जाएगा आसानी से। सेक्शन 4-5 को ध्यान से रिवाइज करेंगे, सलमान खान वाली कहानी को। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट्स एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 और सेक्शन 30 ये ध्यान से रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक होगा मेरा कंसीडरेशन, ठीक है जी, फिर कंसीडरेशन को ढंग से मैं रिवाइज करूंगा, राइट। 6 चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक में मुझे रिवाइज करना है कैपेसिटी वाला चैप्टर, ठीक है, माइनर वाला, जल्दी हो जाएगा, एंड फ्री कंसेंट, ठीक है ना, ये इसी 6 घंटे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, सबसे पहला नेचर, बहुत जल्दी हो जाएगा, रक्त राजा एक किरानी वाली कहानी है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, विद सेक्शंस, और फिर सबसे आखिरी स्टेप होगा मेरा लीगलिटी वाला चैप्टर जो हमारे नोट्स का चैप्टर नंबर 6 है, और अब सबसे आखिरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चों को लग रहा है सर 12 बजे तक अगर नहीं हुआ, नींद आ गई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी भी अगला दिन है हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर सर ये मेरा सीक्वेंस हो गया जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सुबह उठेंगे आप 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हैं। अगर कोई लॉ का चैप्टर रह गया है, रिमेनिंग लॉ चैप्टर अगर रह गया है तो उसे रिवाइज कर लें आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद
10 से 12, क्योंकि आपको लग रहा है सर 10 से 12 क्या करें, पेपर 2 बजे है, ठीक है। 10 से 12 क्या करना है, जो आपने अभी तक इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट बनाई है वो तो 100% लर्न करना है, वो इसी दिन रिवाइज करें। कुछ केस लॉस के लिस्ट भी आपने बनाई थी, जो बच्चे ग्रुप पे भेज दिया करते थे, सर ये मैंने पूरे केस लॉस की लिस्ट बनाई है, बहुत ही शानदार वर्कआउट किया था, तो केस लॉ की जो लिस्ट बनाई है उसको आप मेन मेन केस लॉ को याद कर ले, 2 घंटे में सेक्शंस की लिस्ट भी याद हो जाएगी और केस लॉ भी आसानी से याद हो जाएंगे। उम्मीद है इन 2 घंटों में मैं ये काम करूंगा। सर 1 बजे मैं हूंगा कहां पर, अपने एग्जाम सेंटर, क्योंकि बच्चे ज्यादातर 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही पहुंच जाओ। मैं वहां पे हूं, तो वहां पे आपके दोस्त भी मिलेंगे, कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है उनसे, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल बात मत करना, हाय हेलो करना, कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि सर मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, जस्ट चिल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, कोई बात नहीं करनी, मेरा तो ये चैप्टर रह गया, जो आपने करा है वो 100% है, आपसे बेहतर और कोई उसे कर नहीं सकता था, समझ में ना बात, तो कोई नेगेटिव बातचीत नहीं करेंगे आप किसी से भी, ठीक है, अपना आराम से, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपने सेक्शंस को रिवाइज करना चाहे रिवाइज करिए और एग्जाम हॉल में स्माइल करते हुए एंटर करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को याद करते हुए प्रेयर हमेशा है ना, मेरी आपके साथ है, आपके माँ बाप की भी आपके साथ दुआएं हैं, बस उन दुआओं को सार्थक करने का वक्त आ चुका है। एग्जाम हॉल में आप होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पेपर को आराम से रीड करें, आसानी से लॉ के पेपर को अटेम्प्ट करें विद प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको सिखाई है 2 स्टेप प्रेजेंटेशन, राइट, एनालिसिस और फिर उसका लॉ के साथ डिस्कशन। उम्मीद है इस तरीके से आप लॉ का पेपर लिखेंगे ध्यान से विद सेक्शंस, सेक्शन कहीं अगर याद नहीं आ रहा तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 1872, किस तरीके से आपको स्टेप नंबर 1 लिखना है, राइट, रिलैक्स होकर बिना टेंशन के पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, कोई अगर नहीं आता तो उसको वहां छोड़ दे, लेकिन क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है, स्पीड को मेंटेन करें बिना किसी टेंशन के, सोचने का वक्त कम लें, अगर आप लगता है कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा गैप छोड़ दें वहां पे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। फिर 5 बज चुके हैं, आप पेपर खत्म कर चुके हैं, एग्जाम हॉल के बाहर आए, दोस्तों की शक्लें देखी, कोई कैसे बना रहा है कैसे बना रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना क्वेश्चन पेपर, सबसे खतरनाक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही क्वेश्चन पेपर, जी हाँ बिल्कुल सही देख रहे हो, फाड़ के फेंक दे, कोई डिस्कशन नहीं करना, अगर क्वेश्चन पेपर फाड़ दोगे तो क्या आपको क्वेश्चन पेपर ये दोबारा नहीं मिलेगा, कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास वो क्वेश्चन पेपर रहा तो आप पक्का घर आके उसे देखेंगे, मैंने इसमें क्या लिख दिया, इसमें क्या लिख दिया, या इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता था, दोस्तों डिस्कस करेंगे, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, अगला पेपर फ्यूचर पे फोकस करो, जो वीडियो से फोकस नहीं करना, क्वेश्चन पेपर फाड़ दें, किसी से डिस्कस मत करें, सीधा बोल दो कि मेमोरी लॉस है मेरा, मैंने तो 5 बजे के बाद भूल गया मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था, मैं तो अगले पेपर की तैयारी करनी है, बात खत्म, क्वेश्चन पेपर फाड़ दें, क्वेश्चन पेपर पूरे एग्जाम के बाद डिस्कस करा जा सकता है, बिल्कुल उसे फाड़ दें, और फोकस किस पे करना है, फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर, घर जाए नेक्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी बनाएं, पेपर को इस तरीके से डिवाइड करें जैसे मैंने चैप्टर्स में आपको डिवाइड करके दिया है, टारगेट को पूरा करें, 2 से 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, 2 से 5 हमारा लिखने का टाइम है, उसमें जरूर आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन क्या करना है, लिख कर देखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी किस तरीके से हमें अपने एग्जाम की तैयारी करनी है इन 1.5 दिनों में, शेर की तरह सिंह की तरह अब जो करने जा रहे हैं अगले कुछ घंटे में वो जोरदार तरीके से करेंगे, दिल लगाकर करेंगे, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें अपने दिल में उतारिए, बिना टेंशन के बिना किसी दबाव के फ्री होके जो आपने पढ़ लिया आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता, ये ध्यान रख के तैयारी करें, जो भी दिक्कत होगी मैं फोन पे भी अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं बिना टेंशन के, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक,
ऑल द वेरी बेस्ट। ये एग्जाम आपके साथ साथ मेरा भी है, तो अपना नाम और मेरा नाम, अपने माँ बाप का नाम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है।